हेलो गाइस, सत श्री अकाल। किद्दां? तो गाइस, हम सब कभी ना कभी गुरुद्वारे जरूर जाते हैं, और गुरुद्वारे में जो अरदास होती है उसमें हमेशा बोला जाता है, खोपड़ियां लवाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां ना चिराए गए। खोपड़ी उतार दी गई, बीच में से काट दिया गया और उबलते पानी में डाल दिया गया। तो ये सब जो बोला जाता है ये उन शहीदों के लिए बोला जाता है जिनको ऐसे शहीद किया गया है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि ये जो मारने का तरीका है ये हिस्ट्री में आया कहाँ से है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। सिख हिस्ट्री में जो भाई तारू जी थे उनको शहीद किया गया था, उनका जो स्कैल्प है उनके हेयर्स के साथ उतार दिया गया था, उसको स्कैल्पिंग कहा जाता है। और ये स्कैल्पिंग जो स्टार्ट हुई है वो आज से 5000 साल पहले यूरोप में जो सोल्जर्स फाइट करने जाते थे तो वो जब अपने एनिमीज को मार देते थे तो उनके बॉडी पार्ट्स लेके आते थे एज अ काउंटिंग, एज अ रिवॉर्ड, एज अ प्राइज। उसमें से एक ये भी था, कैल्प विद हेयर वाला पार्ट भी लाते थे वो, और उनके लिए ये प्राउड मोमेंट होता था। और वो जनरली ऐसी चीज़ों को अपने घोड़े पे टांग के भी रखते थे। इसी काउंटिंग से उनको बेस्ट मैन का रिवॉर्ड मिलता था, जिसकी काउंटिंग जितनी ज़्यादा होगी बेस्ट मैन माना जाएगा। 1845 में जॉन डनकन थे जिनके पास ऑलमोस्ट 700 स्कैल्प थे एज अ ट्रॉफी। उनकी एक आर्मी थी जिसका नाम था द हॉनी अमेजॉन्स, और इस आर्मी में सिर्फ फीमेल सोल्जर होती थी। वो ये बॉडी पार्ट कलेक्ट करते थे एज अ सोशल स्टेटस, एज अ स्क्लैरिटी, एज अ काउंटिंग। और इसके ऊपर एक मूवी भी है जिसका नाम है टॉम हॉक। इस मूवी में प्रॉपर दिखाया गया है कि एक आदमी को पकड़ के उसकी स्कैल्पिंग की जा रही है और वही स्कैल्प उतार के उसके मुंह में भी डाल देते हैं वो। के बाद आती है बॉडी पार्ट को कट करना, इसको डिसमेंबरमेंट भी कहा जाता है। और सिख हिस्ट्री में भाई मतीदास जी थे जिनको सेंटर से चॉप कर दिया गया था। ये रोमन एम्पायर में एज अ डेथ पनिशमेंट दी जाती थी, और इसमें बॉडी को चार पार्ट में काटा जाता था। पहला ये था कि नॉर्मली किसी भी चाकू या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से हाथ और पैर चारों काट देते थे। इसके और तरीके थे मारने के, जिसमें से एक ये था कि दोनों हाथ और दोनों पैर, चारों हाथों पैरों को अलग अलग डायरेक्शन में बांध के घोड़े के पीछे उनको डिफरेंट डायरेक्शन में दौड़ाया जाता था, जिसकी वजह से चारों हाथ पैर अलग हो जाते थे। इसके अलावा ट्रीज को क्रॉस करके उसमें दोनों लेग्स बांध दी जाती थी और फिर ट्रीज को ओपन कर दिया जाता था, जिसकी वजह से सेंटर से बॉडी चॉप होती थी। और इसके अलावा हाथी के पैरों पे ब्लेड बांध के विक्टिम को उसके आगे फेंक दिया जाता था, ब्लेड की वजह से हाथी उसको चॉप कर देता था। इसके बाद आती है डेथ बाय बॉलिंग। तो ये डेथ बाय बॉलिंग बेसिकली होती है कि किसी बड़े से बर्तन के अंदर, वो खुला हुआ होता है या बंद भी होता है, उस बर्तन के अंदर उसको डाल के और उसके अंदर पानी या ऑयल या तार के साथ उसको डाल दिया जाता है, तब तक उबाला जाता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। और ये काफ़ी पेनफुल और काफ़ी स्लो डेथ होती है, जिसमें से सिख हिस्ट्री में गुरु अर्जन देव जी हैं जिनको गर्म पानी में उबाल दिया गया था, और इसके अलावा भाई मतीदास हैं जिनको कॉटन बांध के उनको आग लगा दी गई थी। ये गाइज एक जगह है पंजाब में जहाँ ऐसे लाइव स्क्रिप्चर बने हुए हैं, आप जाके भी देख सकते हैं। मेरी एक डिटेल वीडियो के इसके ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। के बाद आती है फ्लेइंग, जो है बॉडी से ऊपर की स्किन उतारते हैं। ये भी काफी पेनफुल और काफी स्लो डेथ होती है, और इसके डेथ के रीजन बेसिकली होते हैं इसमें अपनी ऊपर की स्किन उतार देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गन्स हैं वो अनकवर्ड हो जाते हैं। और इसका सबसे पहला रीजन होता है कि लॉस ऑफ ब्लड, जिसमें काफी ब्लड लॉस होता है उसकी वजह से डेथ होती है। और दूसरा ये होता है कि आपकी स्किन उतार दी और आपके ऑर्गन्स जो है वो अनकवर्ड हो गए, और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो सकता है ऑर्गन्स में उसकी वजह से डेथ होती थी। और तीसरा रीजन ये था कि बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती थी, की वजह से भी डेथ हो जाती थी। तो ये था गाइज उस हिस्ट्री फैक्ट के साथ कि ये पनिशमेंट हिस्ट्री में कहां से आई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव लगा हो जो आपको पहले नहीं पता था, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।